हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं मखाना के बारे में। मखाना कमल के बीज को कहते हैं। भारत में मखाना की खेती मुख्यतः जम्मू कश्मीर तथा बिहार में की जाती है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे फॉक्स नट, लोटस सीड, इवन इसे गॉड्स फूड भी कहते हैं। हमारे इंडियन रिचुअल में, पूजा में, हवन में और उपवास में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्रत त्योहारों की मिठाइयों को स्वादिष्ट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरे पड़े हैं। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। यह एक न्यूट्रिशियस सीड है। तो आइए बात करते हैं मखाना के गुणों के बारे में। यह प्रोटीन और फाइबर का अच्छा सोर्स है। 100 ग्राम मखाने में लगभग 10.71 ग्राम प्रोटीन होता है। इसे डेली अपनी डाइट में शामिल करने से बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं होती है। लोटस सीड में हाई फाइबर और लो कैलोरीज होता है। इसमें एथेनॉल अर्क बॉडी में फैट सेल्स को कंट्रोल करता है, इसलिए यह वेट लॉस में भी हेल्पफुल होता है। चूंकि यह फाइबर रिच नट्स है तो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम में भी हमारी हेल्प करता है। हाई पोटाशियम और लो सोडियम के कारण यह हाई बीपी पेशेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। फॉक्स नट हार्ट के लिए भी बेनिफिशियल होता है। यह ब्लड शुगर को इम्प्रूव करता है। कोई भी नट्स हो, उसमें फॉक्स नट ही ऐसा नट्स है जिसमें फैट की क्वांटिटी बिल्कुल लो है, 1% फैट है। फैट नहीं है तो मोटापा और हार्ट दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। मखाना खाने से अर्थराइटिस में भी बचाव रहता है। यह बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, घुटनों और कमर दर्द में आराम देता है। कैल्शियम होने के कारण ये हमारे बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। मखाना कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स का एक गुड सोर्स है। इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मखाना खाना सेफ भी है और हेल्दी भी। वेल, आफ्टर डिलीवरी भी इसे जरूर खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी में जो कमजोरी आ जाती है वो जल्दी इससे रिकवर होती है और लोअर बैक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। लोटस सीड में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रभाव पाए जाते हैं, जो मसूड़े संबंधित सूजन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने में हेल्पफुल होता है। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का भी एक गुड सोर्स है, इसलिए डायबिटीज के लिए भी हेल्दी ऑप्शन है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। यह ब्लड शुगर लेवल को लो करने में भी हेल्प करता है। मखाना एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, जो एजिंग के इफेक्ट जैसे झुर्रियों को दूर करने में भी हेल्पफुल होता है। मखाने का सेवन किडनीज की हेल्थ को सही करता है और हमारे ब्लड को नरिश करता है। नो डाउट, मखाना बहुत न्यूट्रिशियस है, लेकिन अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं या किसी बीमारी का इलाज करा रहे हैं तो इसे अपनी डाइट में ऐड करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अदरवाइज यह गुणों से भरपूर है और हर एज के लिए फ़ायदेमंद है। इनफैक्ट इसके कुछ न्यूट्रिएंट्स के कारण इसे काजू बादाम जैसे नट से भी ऊपर माना गया है। तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब